जोजो कितना क्यूट है यार, जोजो इज नो मोर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुछ भी व्लॉग्स। एंड गाइस, जो ये चैनल है, जिस वजह से चैनल बना है, जिस वजह से ये चैनल मोनेटाइज हुआ है, वो है जोजो। अगर आप मेरे पेज में जाएंगे, मोस्ट पॉपुलर आप शॉर्ट भी जाएंगे, वीडियो जाएंगे, कुछ भी जाओ, आपको जोजो मिलेगा। उसकी वजह से 75,000 सब्सक्राइबर्स है, आप सब मेरे साथ जुड़े हो, उसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। एंड आज वो ही नहीं है यार, जोजो इज नो मोर। आई नो, थोड़ा सा शॉकिंग है। कैसे हुआ अगर मैं बताऊँ तो, जोजो बहुत हेल्दी था पहली बात तो, बट वो ना कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो सबने बोला कि डॉग्स, मतलब होता है ऐसा, कुछ टाइम खाना नहीं खाते हैं। तो हमें लगा ठीक है, नॉर्मल होगा। तो उसका थोड़ा पेट खराब हो रहा था, उल्टी कर रहा था, तो हम हॉस्पिटल ले गए। एंड यहाँ के हॉस्पिटल वाले, मतलब तुम्हें जब यार तुम डॉक्टर बने हो तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो उस पोस्ट को। तुम्हारे लिए वो जानवर है, बट हमारे लिए हमारी फैमिली है। बट नहीं, उन डॉक्टर ने अपने मन से कोई दो इंजेक्शन लगाए और ग्लूकोज चढ़ा दिया। एंड मेरे भाई ने बोला कि ब्लड टेस्ट करो, देख लो क्या हुआ है, उसके बाद लगाओ। बट उन्होंने अपने मन से कर दिया। बट हमने इंजेक्शन पता किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पेट खराब के लिए कर रखा है, बट जोजो को क्या हुआ है पहले पता तो करो। उन्होंने इतना भी नहीं सुना। तो ठीक है, जोजो को घर लाए, वो थोड़ा एक्टिव हुआ उस समय, घूमा। फिर नेक्स्ट डे हम फिर ग्लूकोज के लिए ले गए, ग्लूकोज चढ़ाए क्योंकि कुछ खा नहीं रहा था। फिर घर लाए, एंड घर लाने के बाद ना धीरे धीरे उसकी हालत ना कम होती गई, वो जो एक्टिवनेस थी वो कम हो गई। मतलब जब आवाज़ लगाते थे या फिर जब हम उठते थे तो ऑटोमेटिक हमारे साथ चलता था, तो वो कम हुआ। एंड मैं मुंबई में था तो मम्मी पापा भाई यहाँ पे थे। एंड एक दिन फिर क्या हुआ, वो बाहर पैसेज के वहाँ पे बैठा रहा। तो मम्मी ने सबसे कहा कि जोजो को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो बीमार है, तो डिस्टर्ब करते हो तो वो डिस्टर्ब होता है। तो सोने दिया उसको। तो टाइम बीता, वो हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। फिर पापा गए बाहर, एंड दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, दरवाजे में पूरा लग के बैठा था वो। फिर हमने हटाया, पापा भाई मम्मी जैसे मिलने गए उससे, उसकी सांसें बढ़ने लगी। उसने मम्मी पापा भाई को हाथ लगाया, इट वॉज़ लाइक कि बता रहे हैं कि बस वो रुखा था इन लोगों के लिए। उसने ऐसे हाथ लगाया, उसने देखा, एंड फिर एक लंबी सांस ली और थोड़ी धड़कने बढ़ी और छूट गया। देन भाई ने, मम्मी ने पेट ईट दबाया। मम्मी ने कहा बेटा क्या हुआ तेरे को, उठ उठ उठ। तो उसने फिर एक सांस एक और बाहर मारी, एंड फिर जोजो वॉज गॉन। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। फिर मेरे को भाई का फोन आया कि भाई जोजो नहीं है। एंड भाई मम्मी पापा सब रोने में थे। तो मैंने कहा यार मेरे को जाना पड़ेगा, एंड आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सब रो रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपनी फ़्लाइट करी, एंड मैं मुंबई से पिथौरगढ़ आ गया। वहाँ से आने में 2 दिन लगते हैं, क्योंकि वहाँ से दिल्ली जाओ फिर दिल्ली से आओ। तो मैं जब पहुँचा तो सेकेंड डे हो गया था शायद, सेकेंड डे रात को पहुँचा मैं। तब तक मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया था, सब लोग सिर्फ रो रहे थे। भाई रो रहा है, मम्मी रो रही, पापा रो रहे, पहली बार रोते हुए देखा सबको। तो मैं आया तो मैं तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं भी रोऊंगा तो सब लोग फिर। तो मैंने थोड़ा माहौल को शांत किया, इनसे बात बात करी। तो जब जाके थोड़े से नॉर्मल हुए, इन्होंने तब खाना खाया 2 दिन बाद, क्योंकि मैं आया था मेरी वजह से। वो तो थैंक गॉड कि मैं आ गया, क्योंकि मेरा भी डाइसी हो रहा था आने का। बट पता नहीं, माता रानी ने कहा कि जा, पता नहीं जो हुआ, मैं आ गया। एंड थैंक्स टू माई पार्टनर, वो जो रिद्धि है, उसने भी फोर्स किया, तू जा 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 जा। तो मैंने कहा ठीक है चले जाता हूँ। एंड आने के बाद वो कि सच हुआ, मतलब अच्छा हुआ मैं आ गया। घर वाले, मतलब मुझे लग रहा है अगर मैं नहीं आता डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब पापा सुबह उठ रहे हैं तो जोजो के पाँव के निशान थे छत में, पापा उसको देख के रोने लग रहे हैं। मम्मी उठ रही है रो रही है, भाई उठ रहे हैं वो रोने लग रहा है, भाई को जोजो उठाता था। एंड फिर शाम को वॉक में ले जाता, तो उनका पूरा रूटीन हो गया। अब हमारे घर में क्या था, जोजो उठाएगा, उसके बाद जहाँ मम्मी जाएगी जोजो मम्मी के पीछे पीछे घूमेगा। है ना, मम्मी कहीं भी जाती तो मम्मी अकेली है, तो मम्मी को वो चीज़ हर्ट हो रही है कि यार अब जो पेट पालते हैं, आप लोगों को पता होगा कैसा होता होगा, अब जो नहीं पालते उनको तो नहीं समझ आएगा उतने अच्छे से, बट वो जुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अटैच हो जाते हैं।
ये मैंने देखा भी है, जेनविनली ज्यादा अटैच हो जाते हैं यार, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरे को नहीं पता चल रहा क्या बोलूँ, बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि चैनल जो भी है सब जोजो की वजह से, तो आप लोगों को बताना तो बनता है। एंड ये जोजो के लिए ट्रिब्यूट वीडियो कह सकते हो आप, तो उसमें मैं जोजो की क्लिप्स डालता हूँ थोड़ी बहुत, आप देखिए जोजो कितना क्यूट था, कैसा था। जो जा गुड बॉय, गुड बॉय, स्टॉप, स्टे, स्टॉप, जो जो स्टे, 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 गुड बॉय, स्टे, जो जो, जो जो, जा लीश लेके आ जा, जा लीश लेके आ जा, जा लीश लेके आ जल्दी, कम बाबू कम, जा ले ले ले। आजा गुस्सा मत हो, अभी देखते हैं और करना। पूरा बैग ही खींच देगा। मुझे देख, कोई भी अच्छा चल चल छोड़, उसको छोड़ दे, वो भारी है। अरे छोड़ दे, छोड़ दे बाबू, लेके आए देख इसके अंदर कुछ है, देख तो उसके अंदर आओ दे दे, ये क्या पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। लास्ट टाइम में मैं जोजो को नहीं देख पाया क्योंकि उस समय बाहर वालों से मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ मैंने कैसे बताऊँ, फोन ही नहीं उठा रहे थे बेचारे, सब रोने में थे। तो मैं सडनली पहुँच गया था, तब तक ये ले गए थे जोजो को ऊपर चंडाक में कहीं पे, मैं फिर नेक्स्ट डे उसमें पेड़ लगाने गए थे तो मैं गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम मैंने वीडियो शूट किया, वो भी मैं डालूंगा। हमारे ऊपर जहाँ जोजो को डाला था वहाँ पे एक पौधा लगाने के लिए, तो हम जाते हैं भाई और मैं जा रहे हैं पौधा लगाने के लिए। चलो पौधा, हम पौधा लेके जा रहे हैं, बट अभी बारिश भी आ रही है तो देखते हैं। यहाँ पे जो जो हमने डाला है पत्थर रखा है निशाने के लिए, तो यहाँ हम उगाएंगे एक पेड़ अच्छा सा, बाकी जंगल है पूरा और रास्ता भी है मस्त है, पेड़ उगाते हैं अब। चलो लगा दिया पौधा, अब आते रहेंगे और यहाँ पर डालेंगे पानी वानी अपन लोग अमरूद का, क्योंकि उसे अमरूद पसंद था। अब चलते हैं घर को, इतने मस्त व्यू में जो हमारा मस्त व्यू है, चलो घर को। अब हम अभी वो करके आ चुके हैं अभी जो के वहाँ पे, अभी अब नहाते धोते हैं थोड़ा फ्रेश होते हैं फिर आगे का अपडेट देखते हैं क्या है। चलिए हाँ, तो दिस वीडियो इज़ फॉर माई जोजो। एंड यार मैंने सोचा था, मेरे मोनेटाइज के इस बार पैसा आया था कुछ अराउंड 10-12 हज़ार रुपये आए थे, तो मैंने कहा जोजो के लिए कुछ करूँगा, जोजो के साथ सेलिब्रेट करूँगा, केक कटिंग करेंगे, जोजो को पार्टी दूंगा, जोजो को घुमाऊँगा, बट
पैसा आ गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, बढ़ गया, सब कुछ हो गया, बट जोजो नहीं है यार। पिछली दिवाली कितना फन किया था, वो बेचारा हैंग हो गया था यार। आपने फिर पिछली वीडियो देखी हुई, वो छत में हैंग हो गया पटाखे की आवाज़ सुन के, उसको हम नीचे लाए थे। और अभी यार जोजो देखा आप लोगों ने, जोजो कितना क्यूट है यार। मतलब वो ना घर वालों की आदत बन गया था यार, सुबह न्यूज़पेपर लाने से या मम्मी के साथ जाने से, भाई के साथ वॉक, पापा के साथ ऊपर नीचे। हाँ, दे आर मिसिंग अ लॉट नाउ। और यार मैं खुद देख के शौक हुई, लोग इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे यार। एंड थैंक गॉड मैं आ गया टू एंटरटेन दैम। और थैंक यू, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब थोड़ा भी थोड़ा कर घूमेंगे, वही दिखाएंगे आपको, छो छो तो नहीं। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।